धंतोली के विवेकानंद नगर में दो गुट के विवाद में एक युवक ने पिस्तौल से गोली चला दी। रविवार की रात हुई इस वारदात का बुधवार को खुलासा हुआ। इस घटना से शहर पुलिस में खलबली मच गई। पुलिस ने आरोपी यश राजकुमार शर्मा को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। यश शर्मा एक राजनीतिक संगठन से जुड़ा है। वह मारपीट और अपराध की घटनाओं को लेकर पहले भी चर्चा में रहा है। बताया जाता है कि यश का कुछ दिनों से नंदनवन निवासी आनंद ठाकुर से विवाद चल रहा है। दोनों पहले मित्र हुआ करते थे। हाल ही में रंजिश बढ़ जाने से एक दूसरे को हानि पहुंचाने की तैयारी में थे। रविवार की रात आनंद अपने मित्र प्रिंस और अन्य साथियों के साथ यश के विवेकानंद नगर स्थित कार्यालय में गया। यश भी अपने साथियों के साथ कार्यालय के बाहर आया। वहां दोनों गुटों के बीच मारपीट हो गई। इसी दौरान यश ने पिस्तौल से आनंद की दिशा में गोली दाग दी। काफी अंतर पर खड़े होने से आनंद बाल बाल बच गया। बताया जाता है कि आनंद ने धंतोली थाने पहुंचकर घटना की शिकायत की। उसने पुलिस को यश द्वारा गोली चलाए जाने की जानकारी दी, लेकिन फिलहाल धंतोली पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन वहां गोली चलाने का कोई भी सबूत नहीं मिला। पुलिस ने परिसर के सीसीटीवी कैमरे की भी जांच की, जिसके बाद पुलिस ने आनंद की शिकायत को नजरअंदाज कर दोनों पक्ष के खिलाफ मारपीट का असंज्ञेय मामला दर्ज किया। गौरतलब रहे कि पुलिस की भूमिका से आहत होकर आनंद ठाकुर ने आज पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार से घटना की शिकायत की। पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए धंतोली थाने के निरीक्षक महेश चौहान और द्वितीय निरीक्षक मड़ावी को तत्काल प्रभाव से कंट्रोल रूम में अटैच कर दिया। पुलिस आयुक्त ने मामले की गहराई से जांच कर ढिलाई बरतने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसी तरह वाठोड़ा थाने के एपीआई संदीप आगरकर को भी एक मामले में ढिलाई बरतने पर कंट्रोल रूम भेज दिया गया है। ही घटना 26 तारखेला संडेला रात्री घडलेली आहे। घटनास्थळ साई मंदिर जवळ वर्धा रोड या ठिकाणचं आहे। तर त्या ठिकाणी जो फिर्यादी आहे आनंद ठाकूर नावाचा मुलगा आणि त्याचा अजून एक मित्र प्रिन्स, हे दोघं त्या ठिकाणी गेलेले होते। यश शर्मा याचं त्या ठिकाणी ऑफिस आहे आणि तिथे हे फायरिंगची घटना घडलेली होती असं त्यांचं म्हणणं आहे। आम्हाला आत्तापर्यंत कळालेली माहिती ही आहे की हा जो ठाकूर आहे आनंद ठाकूर, तो आणि यश शर्मा हे जुने मित्र आहेत, स्कूलपासून फ्रेंड आहेत, परंतु काही कारणामुळे त्यांच्यामध्ये वाद निर्माण झालेला होता आणि मागील काही दिवसांपासून यश शर्मा आनंद ठाकूरला जीवे मारण्याची धमकी देत होता असं त्याचं म्हणणं आहे। आणि त्या दिवशी त्या दोघांमध्ये फोनवरून संभाषण झाल्याच्या नंतर यश शर्माने त्याला ठाकूरला बोलून घेतलेलं होतं घरी, आणि हा जो काही ठाकूर आहे तिला त्या ठिकाणी भेटायला गेलेला होता आणि त्या ठिकाणी त्यांचा दोघांमध्ये वाद निर्माण होऊन ही घटना घडलेली आहे। एनबीसी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन अखिलेश भरद्वाज के साथ अभिषेक पानसी की रिपोर्ट।